फाइकस फैमिली का बड़ा पेड़ है और अंजीर की फैमिली है, शहतूत भी इसी फैमिली से है। ये बेसिकली जो जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी ऐसा दरख्त जो अपने माहौल में अपने इर्द गिर्द की तमाम यानी ज़िंदगी की जितनी भी शक्लें इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं, जिसमें दरख्त हैं, जानवर हैं, जिसमें हमारे परिंदे हैं, जिसमें हमारे और हशरातुल अर्ध हैं, उन सब के लिए इनके पास कुछ ना कुछ होता है और ये अपने एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते रहते हैं। इंडिया में एक स्टडी की गई बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे और कई बड़े शहरों को उनको में उन्होंने एक ये स्टडी की, तो उससे ये पता चला कि ये उन दरख्तों में शामिल है जिनमें कई सारे दरख्त इसी फैमिली के और भी हैं, पीपल भी है, बोर्ड भी है, पिलकन है और कुछ पौधे जिसमें कुछ श्रब्स हैं जैसे जिसे हम गुलड़ कहते हैं, चाइना रोज़ भी कहते हैं, हिबिस्कस उसका नाम है। तो वो पौधे जो हैं उनकी इनके पत्ते जो हैं ऊपर से चिकने हैं और नीचे से खुरदरे हैं, तो ना सिर्फ ये कि इर्द गिर्द उड़ने वाली डस्ट को ये अपने उसमें ले लेते हैं, बल्कि जो पेट्रोलियम का जो सारा धुआं है उसके अंदर जितनी भारी धातें होती हैं, कैडमियम होता है, लेड होती है, उन सब को हवा उन सब से हवा को साफ़ करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। और ये रिकमेंड उस स्टडी ने ये रिकमेंड किया कि सड़कों के अतराफ लगाने वाले दरख्त जो हैं उनमें इनको तरजीह दी जाए, जिसमें पीपल है, बोर्ड है, अर्जुन है, पेलकन है और उसके अलावा जो छोटे पौधे हैं जिसमें हम जिसको एलिफेंट सीयर कहते हैं वो भी ज़्यादा डस्ट को अब्ज़ॉर्ब करता है। जो बात हम अभी कर रहे थे कि इसके पत्ते जो हैं, अगर आप ये देखें इस पत्ते ने कितनी ज़्यादा डस्ट जो है, जिसका जो चिकनापन था उसने इस डस्ट को अपने साथ चिपका रखा है। जब अगली बारिश होगी तो ये बारिश इसको बहा के ले जाएगी और हमारी इन्वायरमेंट से इसने साफ़ किया, जबकि अगर आप इसका ये पीछे से हाथ लगा के इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा रुएँदार है। और ये जो रुआँ है ये हवा से जो हैवी मेटल्स हैं जिसमें लेड है, कैडमियम है, सल्फ़र है, उन सबको हवा से निकाल के अपने साथ चिपका लेता है और जब अगली बारिश आती है तो वो पत्तों को धो देती है। तो इस तरह से ये पौधे जो हैं वो हमारी हमारी आबो हवा को साफ़ करते हैं। और अगर आप ये इसके ऊपर इसका फल देखें जो आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है, एक तो ये देखने में ये अंजीरें बहुत दीदाजेब हैं, वैसे इनको पंजाबी में गोलां कहते हैं, और ये अंजीरें जो हैं जो इसके ऊपर लगती हैं ये कसैली होती हैं, तो ये भी एडिबल लेकिन ये बहुत कड़वी और कसैली होती हैं जिनको जानवर परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं और उनके लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इस दरख्त की आपको एरियल रूट्स नज़र आ रही हैं, ये जो एरियल रूट्स हैं अगर आप इनको यहाँ देखें तो ये बहुत सारे परिंदों छोटे परिंदों के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, उनको सेफ रखती हैं, बड़े परिंदों से बचाती हैं और वो यहाँ पे बसेरा करते हैं। इसी तरह अब जैसे देखिए ये एक बड़े साइज़ में इसकी अंजीर है और ये काफ़ी पक्की हुई है, तो आप देखें अंदर से ये बिल्कुल अंजीर की तरह है। ज़ायके में इतनी मीठी नहीं होती और इसलिए ज़रा इंसान इसे कम खाते हैं, लेकिन चिरिंद परिंद जो हैं वो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसीलिए एक बोर्ड का दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा सैकड़ों परिंदों को अपने अंदर समा सकता है। इसकी हज़ारों साल उम्र का अंदाज़ा है और कई हज़ार साल पुराने दरख्त जो हैं वो अभी भी इंडिया और तमिलनाडु और नेपाल और दूसरी जगहों के ऊपर मौजूद हैं, बल्कि बोर्ड के साथ जो है वो बहुत सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इसके साथ अटैच है। 50 साल पहले हमारी तारीख का एक बहुत ही स्याह बाब लिखा गया था जिसमें हमारा एक मशरक़ी हिस्सा जो है वो अलहदा मुल्क की सूरत में वजूद में आया, तो उसके वजूद में आने की जो तकलीफ़ थी उनमें से एक तकलीफ़ ये भी थी कि ढाका यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त था और स्टूडेंट्स की सारी मीटिंग्स जो हैं वो उस बोर्ड के नीचे हुआ करती थी। वो बोर्ड का दरख्त जो है वो टैंक के गोलों से तबाह कर दिया गया। तो बांग्लादेश के मारज वजूद में आने के बाद एक अमेरिकन सेनेटर कैनेडी ने एक बोर्ड का दरख्त दोबारा जाकर
उसी जगह पर लगाया। और इसके अलावा एक और वाकया भी है कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पहली दफ़ा श्रीलंका गए तो उन्होंने वहाँ से उनकी हुकूमत से ये डिमांड की कि टैक्सला से जो बोर्ड का दरख्त जो जिसमें जिस जिसकी हज़ारों साल पुराना बोर्ड का दरख्त जो टैक्सला से श्रीलंका लाया गया था हमें उसकी कुछ शाखें वापस चाहिए। और वो वहाँ से उस दरख्त की से निकला हुआ एक और दरख्त लाकर टैक्सला में दोबारा लगाया गया। तो एक बोर्ड वो था, पॉलिटिकल बोर्ड वो था जो कैनेडी ने वापस ढाका यूनिवर्सिटी में लगाया, और एक पॉलिटिकल बोर्ड वो था जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो श्रीलंका से लाए और ला के टैक्सला में दोबारा लगाया। लेकिन अगर बोर्ड को हम देखें तो हमें बोर्ड हर गांव और देहात में एक बहुत ही मरकज़ी हैसियत में नज़र आता है। सारी पंचायत, सब लोगों का उठना बैठना, क्योंकि ये बहुत वसी अपने साइज़ में बहुत बड़ा होता है, इसकी छाँव बहुत दूर तक होती है। तो ज़्यादातर पंचायतें और ज़्यादातर जो मिलने का जो वो है जगह जो है वो बोर्ड का दरख्त ही होता है। और हमारे ऑलमोस्ट हर देहात में आपको कहीं ना कहीं एक बोर्ड या एक बड़ा सा पीपल ज़रूर नज़र आएगा। बोर्ड के दरख्त को बोधी ट्री भी कहते हैं, और बोधी या बुद्ध का मतलब अकल है और ज्ञान है। और गौतम बुद्ध भी इसी दरख्त नीचे कहा जाता है कि उन्होंने बैठ के ज्ञान हासिल किया था जो आज तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जा रहा है। और बोर्ड का दरख्त जो है वो इंडिया, श्रीलंका और ऐसे इलाकों में जहाँ लोग इस दरख्त की परस्तिश करते हैं वहाँ आपको इसके हज़ारों साल पुराने, कई हज़ार साल पुराने दरख्त भी आपको मिलेंगे। देखिए, ये दरख्त इतना वसी होता है, इसका फैलाव इतना बड़ा होता है और इसका तना भी इतना बड़ा होता है, और फिर ये इसकी एरियल रूट्स जो हैं ये इसके इसकी बड़ी शाखों से निकलती हैं और ज़मीन की तरफ जाती हैं। और अगर आप इसको इसके इसको कहीं आप इसके जंगल में देखें या इसके वाइल्ड एरिया में इसको देखें तो इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के साथ पेवस्त होती हैं और फिर इनके ऊपर एक कवर चढ़ना शुरू होता है और फिर वो एक नया तना बन जाता है। और इसी तरह एक जो दरख्त है वो चश्मा बैराज के पास सरगोधा जाते हुए रास्ते में आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2.5 एकड़ में फैला हुआ एक दरख्त है। और शायद ये वही दरख्त है जिसके बारे में सिकंदर आज़म ने ये लिखा था कि हम दरिया पार करके जब उतरे तो एक ऐसा दरख्त था जिसके नीचे हमारी पूरी फ़ौज समा गई। तो बोर्ड के दरख्त जो हैं वो अगर उनको फलने फूलने दिया जाए तो वो हज़ारों परिंदों के लिए खुराक भी मुहैया करते हैं, उनको घोंसला भी देते हैं, अपने इर्द गिर्द की आबो हवा को साफ़ भी रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लकड़ी और पत्ते भी देते हैं। बोर्ड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त है, और जैसे कि आप इसको देख रहे हैं ये कई शाखें जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं जो इसी तरह ये इसका फैलाव जो है वो बढ़ता जाएगा। वैसे तो इन्होंने ईंटों की ये चारदीवारी बना के इसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये अपना रास्ता खुद बना लेते अगर ये मौजूद रहा। लाहौर में भी बोर्ड के बहुत सारे दरख्त थे और लाहौर को हम बोर्ड वाले चौकों के ज़रिए जानते थे। लाहौर में बहुत सारे बोर्ड वाले चौक थे, जिनमें सबसे बड़ा चौक जो था वो रेलवे स्टेशन के पास था, और मैंने ख़ुद वहाँ और उसी बोर्ड के बिल्कुल बराबर में साहबजादा नसरुल्ला खान की, नवाबजादा नसरुल्ला खान का घर भी था और जहाँ बहुत सारी सियासी बैठकें होती थीं। और एक लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान एक बस सर्विस चला करती थी जो उस ज़माने की सबसे मॉडर्न बस सर्विस थी, उसका नाम स्काईवेज था। उसकी कई बसें उस एक बोर्ड के नीचे खड़ी हुआ करती थी, और मैंने सुना है कि कई ट्रक को 10-15 से ज़्यादा ट्रक लकड़ी के भर के गए थे जब उस दरख्त को काटा गया। और अगर कभी आप उस जगह पर जाके देखें
ये जब मियाँ आमिर साहब लाहौर के मेयर थे, ये हादसा उस वक्त हुआ था। और अगर आप अभी भी जाके वहाँ देखें, जिस जगह पे वो बोर्ड था, वो जगह अभी भी इस्तेमाल में नहीं है। वो जगह अभी भी उसको बचाया जा सकता था। हमने बहुत सारे दरख्त ऐसे काटे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। नहर की तौसी करते हुए, मुख्तलिफ चौकों को चौड़ा करते हुए, हमने बहुत सारे दरख्त ऐसे काटे हैं जिनको बचाया जा सकता था। और अगर उन्हें बचाया जाता तो लाहौर का मौसम, लाहौर का माहौल ऐसा ना होता जैसा आज है, जिसको हमने अपने हाथों से खुद तबाह किया। अगर उन्होंने देखें, ये नज़र नहीं आती थी खबरें, यहाँ से गुजरते हुए खबरें नज़र नहीं आती थी, दरख्त कट गए सारे। कितने लगे? हाँ जी, गोल। और ये विटामिन सी की सबसे बड़ी सोर्स है, इसे कंसीडर किया जाता है हर्बल सोर्स।